नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज, आपकी आवाज। आज नगर पंचायत जलालाबाद में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 37,20,000 रुपए की लागत से बनाए जा रहे कूड़ा निस्तारण केंद्र का एसडीएम नजीबाबाद श्री मनोज कुमार सिंह ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। एसडीएम मनोज कुमार सिंह ने जलालाबाद के मोहल्ला शेख सराय क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण के लिए बनाए जा रहे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षण किया। नगर पंचायत जलालाबाद के ईओ श्री हरिनारायण सिंह ने एसडीएम नजीबाबाद को 37,20,000 रुपए की लागत से बनाए जा रहे कूड़ा निस्तारण केंद्र के संबंध में जानकारी दी। एसडीएम मनोज कुमार सिंह ने ईओ को तत्काल एमआरएफ सेंटर की बाउंड्री वाल सहित निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। एमआरएफ सेंटर पर जलालाबाद के कचहरी सराय स्थित डंपिंग ग्राउंड पर एकत्र किए जाने वाले कूड़े से सूखा कूड़ा लाया जाएगा। सूखे कूड़े से खाद आदि तैयार की जाएगी। एसडीएम नजीबाबाद श्री मनोज कुमार सिंह ने ईओ श्री हरिनारायण सिंह को जलालाबाद के मुख्य संपर्क मार्गों के आसपास कूड़ा डालने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। कूड़ा निस्तारण केंद्र के निरीक्षण के दौरान चेयरपर्सन पति लियाकत अंसारी, नईम अहमद, मोहम्मद नौशाद और अतिकुर रहमान आदि लोग उपस्थित रहे। नजीबाबाद से अपने सहयोगी राजपाल सिंह चौहान के साथ मैं राजवीर सिंह, सिटी हलचल न्यूज। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, ये जहां हम आज अर्जुन साहब के साथ यहां विजिट कर रहे हैं, ये एमआरएफ सेंटर बन रहा है, हमारा मटेरियल रिकवरी सेंटर। यहां कूड़ा क्षेत्र से उठकर आएगा कस्बे से और यहां हम छटनी करेंगे उसको। सूखा कूड़ा अलग, गीला अलग, और जो उपयोग करने योग्य होगा उसको बेच के हम अपनी रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आय बढ़ाने की कोशिश करेंगे नगर पालिका की।